हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई मैं गया मार्केट में हैंड सैनिटाइजर खरीदने, लेकिन मार्केट में सारा सैनिटाइजर खत्म हो चुका है। मुझे किसी भी मेडिकल पर किसी भी दुकान पर नहीं मिला, तो हमने सोचा कि अब तो खुद ही बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास में जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो भी अवेलेबल थी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में हम इसको यूज़ करते हैं और यही तो मेन इन्ग्रीडियंट होता है। छोटी मोटी और चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। और ये जो सैनिटाइज़र आज हम बनाएंगे, ये एकदम जेन्युइन वाला असली वाला सैनिटाइज़र है। ये फालतू वाला नहीं है कि पानी में एक दो चीज़ें लहसुन इलायची मिला करके बना दो, वो नहीं है, वो सब बकवास है। लेकिन ये असली में वायरस को मारेगा। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो पर लाइक्स का टारगेट है 60,000 लाइक्स का, जो बटन है वो दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हों कि कैसे सैनिटाइजर बनता है। दोस्तों हम जो है एक 75% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बनाने वाले हैं। उसके लिए 200 ml की अगर क्वांटिटी बनाएंगे तो 150 ml हमें अल्कोहल चाहिए, और बाकी जो चीज़ें चाहिए 200 ml बनाने के लिए वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, तो आप वो जो चीज़ें हैं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 150 ml इस अल्कोहल का डालते हैं, और ये जो फ्लास्क है देखो 150 ml का है, तो यहाँ पर भाई ये 150 हो गया। अगर थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि WHO के मुताबिक 70% से कम अल्कोहल उसमें होगा तो वो शायद सारे वायरस को नहीं मार पाएगा, और हमें जल्दी करना होगा क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये उड़ती है बहुत जल्दी। दूसरी चीज़ इसमें डालेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड को, और भाई इसकी हमें चाहिए 8.4 ml क्वांटिटी। तो ये जो है 10 ml का बीकर है, लेकिन अंदाजे से हम जो है 8 से 9 ml इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ हमें इसमें डालनी है ग्लिसरीन, और ये डालनी है 3 ml। ये जो ड्रॉपर है ना, इसमें देखो यहाँ पर 3 ml का निशान है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये 3 ml भरता है, तो इसकी मदद से डालते हैं 3 ml ग्लिसरीन इसमें, और हमको इसे जो है यहाँ तक भरना है और इसके अंदर डाल देना है। दोस्तों जो ग्लिसरीन है वो हमारे हाथों को जो है थोड़ा सॉफ्टनेस भी देगी, क्योंकि जो अल्कोहल है वो रूखा कर सकती है हाथों को, हाथों की स्किन को। और भाई यहाँ पर है एलोवेरा का जेल 15 ml, और इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जब तक आप में सही चीज़ नहीं हो इसको निकालने के लिए, और हमें साथ ही साथ में चाहिए होगा 30 ml पानी भी। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें एलोवेरा जेल को, और ये बहुत ज़्यादा फिसलता है, इसको मिलाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और पानी जो है वो भी इसमें मिक्स करते हैं। और इसके ऊपर हैंड सैनिटाइजर का लेबल भी हम लोग लगा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा जो सैनिटाइजर है वो एकदम तैयार हो चुका है यूज़ के लिए। इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश टाइप का है, क्योंकि मुझे लगता है कि एलोवेरा की वजह से ये ऐसा हो गया है। अब आपको बताते हैं कि सैनिटाइजर काम कैसे करता है। भाई कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, भले ही वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कोशिका की दीवार होती है ना, जिसके अंदर पूरा वायरस होता है। ये जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, इसमें जो अल्कोहल है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है उस पर अटैक करके, और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल करके बिखर जाती हैं, वो काम नहीं कर सकता। जैसे हमारी जो स्किन है ना, मान लो कि स्किन को ही हटा दिया जाए तो हम क्या कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमको बहुत अच्छे से डिसइंफेक्ट करता है। आप लोगों को यूज़ करना चाहिए सैनिटाइज़र, अगर ये नहीं है तो अपना जो साबुन है उसको यूज़ कीजिए, प्लीज़ बी सेफ। तो अब जो है इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट डेमो। और इसकी स्मेल की बात करें तो भाई अल्कोहल जैसी स्मेल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की स्मेल इतनी अच्छी भी नहीं होती, अजीब सी ही स्मेल होती है, लेकिन इसको पूरे हाथों के ऊपर हर जगह लगाना है, कोई जगह नहीं छोड़नी, और लगभग 10 से 15 सेकंड में या 20 सेकंड में ये जो पूरी अल्कोहल है वो गायब हो जाएगी, और अब जो हमारे हाथ है वो एकदम क्लीन वायरस फ्री हो चुके हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया और कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, 60,000 लाइक्स का टारगेट है वो पूरा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देना कि ये कैसे बनता है, वो फालतू वीडियोज़ कोई काम की नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।